मैनेजर्स हैं, फिर उसके अंडर जो है वो कुछ भी है, मीन्स ये कि स्टाफ है कोई, तो ये क्या है, हायरार्की है। इस तरह के डेटा को सेव करने के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें हायरार्की फॉलो हो रही हो, ठीक है। अच्छा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है आपका, मैं जी हम ये ट्री ट्री डेटा मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ भी पर पढ़ा नहीं था है जो आपने मैं, मिस, हराई की क्या है मिस? ट्री डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की लेवल को कहते हैं, मींस ये जहाँ पर लेवल डिफाइन हो, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट के चाइल्ड कौन है, आपके पेरेंट्स, फिर उनके चाइल्ड कौन है, आपका चाइल्ड, ये पूरी एक हायरार्की है। तो इसे हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर में इस तरह के डेटा को सेव कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या है, यहाँ पर मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को लिखकर ठीक से समझा नहीं, मैं पिक्चर्स ही दिखा सकती हूँ फिलहाल। ट्री किस तरीके की होती है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये क्या है हमारे पास, हमारे पास ये एक ट्री है। ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ये ई जो आपका ये सर्कल है, ये क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ये सारे जो हैं आपके नोड्स हैं, और जो इसमें सबसे टॉप नोड होता है जो कि क्या कहते हैं, रूट नोड है। इसे जो है मैं वन से, मेरे पास ये पूरी ट्री किसके ऊपर बेस कर रही है, इस रूट नोड के ऊपर, जिससे सारी ट्रीज जो है इनहेरिट हो रही हैं वो आपकी रूट नोड है। इसे मैं रूट नोड कहूंगी। इसके बाद जो है ये जो इसके चाइल्ड हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड्स। ये सारे हैं क्या, बेसिकली नोड्स हैं, और ये क्या है, रूट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, ये जो आपके लास्ट वाले नोड्स हैं जिनका, जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, लीफ नोड्स कहलाते हैं। जैसे कि ये इसमें सब कुछ डिफाइन भी है, ये क्या है आपका, रूट नोड है। जो लास्ट वाले आपके नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स क्या हैं, ये लीफ नोड्स हैं, जिनका मजीद ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है आगे, इनका कोई चाइल्ड नहीं है, जो लास्ट होते हैं ये लीफ नोड्स होते हैं, लीफ नोड एज पेरेंट टू नोड, ठीक है। और जैसे कि ये है, ये चाइल्ड नोड है, तो चाइल्ड नोड इसका पेरेंट क्या हो गया, इमीडिएट पेरेंट, जो इसका इमीडिएट प्रीडेसेसर होता है। जैसे कि एच और आई का पेरेंट क्या कहलाएगा, डी। ये बात समझ आ रही है, कुछ भी नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। ट्री जो होती है वो क्या होती है, हमेशा ग्रोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ ट्री ग्रो करती है। इसमें और वैल्यूज आएंगी तो वो नीचे ऐड होती जाएंगी, इसके मजीद चाइल्ड बनते जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो पेरेंट कौन होता है, इमीडिएट प्रीडेसेसर, मींस ये कि इससे जो फॉरन इमीडिएट वाला है, प्रीडेसेसर, इससे पहले वाला जो है वो इसका पेरेंट नोड है। जैसे डी का पेरेंट नोड क्या है, बी। ई का पेरेंट नोड क्या है, डी। इसके अलावा जो लीफ नोड मैं बता चुकी हूँ, वो हैव नो चाइल्ड, तो वो आपका लीफ नोड है। और नॉन लीफ नोड कौन सा, ये सारे जो भी पेरेंट्स हैं वो क्या है, नॉन लीफ नोड्स हैं आपके। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है आपकी पाथ। पाथ क्या होता है, मींस ये कि मैं रूट से, लेट से मैं कहना चाह रही हूँ कि एच का पाथ क्या है, तो रूट से लेकर आपके नोड तक का जो भी पाथ होता है, ए से आऊंगी मैं बी पे, क्योंकि मुझे एच का एक्सेस करना है। एच का एक्सेस मैं किस तरीके से करूंगी, इसका पूरा एक पाथ बनेगा। रिकॉर्ड कर रही हैं आप? पाथ क्या कहते हैं, एज टू नोड्स, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो भी रास्ता होगा आपका। लेट से मुझे जे एक्सेस करना है, जे एक्सेस करने के लिए क्या होगा, मैं ए से स्टार्ट करूंगी, बी पर आऊंगी, ई पर आऊंगी, फिर जे पर आऊंगी, तो ये जो रास्ता है ये मेरा पाथ है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो भी आपका उसके बीच जो जो नोड्स आ रहे होंगे वो सारे इसके पाथ में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा डिग क्या होती है, नंबर ऑफ, किसी भी ट्री में जो जितने भी उसके चाइल्ड है, नंबर ऑफ चाइल्ड वो उसकी डिग्री है। जैसे ये है, ये आपके पास एक ट्री है, इसमें के चाइल्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी डिग्री क्या है, 9। और इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी जो होती है जो हम यूज करते हैं, डेप्थ।
डेप्थ क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम नंबर ऑफ एज फ्रॉम रूट टू नोड, मीन्स ये कि रूट से लेकर नोड तक जो भी आपकी क्या कहते हैं, अब हम इसको इस तरीके से कहते हैं ये लेवल्स हैं, ये जितने आपके क्या कहते हैं नोड्स है ना, सबसे पहले आपका रूट नोड है, ये क्या है लेवल जीरो है, उसके बाद जो सेकंड आपके इसके चाइल्ड है क्या हो गया लेवल वन हो गया, ये जो आपका क्या कहते हैं थर्ड लेवल है जिसके ऊपर आपके चार नोड्स हैं, ये क्या है लेवल टू है, और जो सबसे लास्ट वाला है लेवल थ्री है, इसके आगे अगर कुछ और होता तो वो क्या हो जाता लेवल फोर हो जाता। तो इस ट्री का अगर मैं आपसे पूछूं लेवल क्या है तो आप क्या कहोगे लेवल थ्री है, इसका तीन लेवल्स इसमें डिफाइन है, एक पहला तो हमेशा जीरो होता है, एक दो और तीन, ठीक है। इसी तरीके से आपकी हाइट अगर मैं पूछूं इस ट्री की हाइट क्या है, एक दो तीन चार, इसकी जो हाइट है नो ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको लिखकर लेवल टू में चार ही हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कुछ भी हो सकता है, सिक्स लेवल्स भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो हम करंट क्या होता है इनिशिएट प्रीडेसेसर, इसका नाम पता नहीं हो सकता वाला, तो लीफ नोड्स कैसे कहते हैं हम, जो नोड्स हैविंग नो चाइल्ड, जिसमें का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता वो आपके लीफ नोड्स होते हैं लास्ट वाले जो। मिस जी, मिस रूट नोड को पेरेंट नोड बोल सकते हैं क्या? क्या क्या रूट नोड को पेरेंट नोड, हाँ कह सकते हैं, इट्स पेरेंट टू ऑल ऑल द नोड्स, रूट नोड से ही बेसिकली आपके बाकी सारे ड्राइव हो रहे होते हैं। नॉन लीफ नोड्स कौन से होते हैं? इंटरनल नोड्स, क्योंकि उनमें चाइल्ड होता है इंटरनल नोड्स में। अच्छा, बात क्या होता है आपका H2 नोड, कह लो सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो भी आपका पाथ बनता है वो पाथ कहलाता है। एंसेस्टर क्या होता है? पाथ फ्रॉम रूट टू नोड ऑल previous notes, ये सारे इसके ancestors हैं, means ये कि जैसे मैं कहूँ अगर मैं आपको कहूँ कि इसके H का ancestors कौन कौन है, तो इसका जो parent है H का वो क्या है D है, लेकिन B और A क्या इसके ancestors हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? हाइट होती है आपकी, उसकी हाइट क्या होती है? नोड टू लीफ, जितने भी आपके क्या कहते हैं लेवल्स आ रहे हैं वो इसकी हाइट है। डिग्री क्या होती है? मिस एक बार फिर सुना दो दोबारा। बिल्कुल समझाते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड जो होता है वो आपकी डिग्री होती है। अच्छा,
इसमें मैंने क्या कहा, ये आपकी एक ट्री है, ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि जो आपका टॉप नोड होता है जिससे सारे नोड्स ड्राइव हो रहे होते हैं, वो क्या होता है, आपका रूट नोड होता है, ठीक है। तो जो भी आपका टॉप नोड होगा जिससे सारे रूट्स ड्राइव नोड्स ड्राइव हो रहे होंगे, वो क्या होगा, रूट नोड कहलाएगा। इसके अलावा फिर ये क्या है, ये इसकी इसके चाइल्ड नोड्स हैं, बी और सी इज चाइल्ड टू ए। इसी तरीके से अब मैं कहूँ कि इस ट्री की डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है, इसके नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स जो है वो आपकी ट्री की डिग्री है, ठीक है। लीफ नोड्स कौन से होते हैं, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होता, कोई चिल्ड्रन नहीं है अगर किसी नोड का, तो वो क्या है, वो लीफ नोड है, जो आपके लास्ट के नोड्स हैं। इसमें लीफ नोड में कौन कौन से हैं, अगर मैं कहूँ मैं आपको एक ट्री दे दूँ और मैं कहूँ मुझे लीफ नोड्स बताएं कौन कौन से हैं, इसमें क्या है, एच है, आई है, जे है, एफ है और जी है। इंटरनल नोड्स कौन से होते हैं आपके, लीफ नोड के अलावा बाकी जो भी नोड्स हैं जिनके चाइल्ड हैं, मीन्स ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या है आपके, इंटरनल नोड्स हैं, डी ई बी सी, ये क्या है आपके, ये इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। ए आपका इंटरनल नोड नहीं है, ये है इंटरनल नोड्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये रूट नोड है। इसके अलावा आपके लेवल्स होते हैं इसमें, क्या कहते हैं, ट्री में हमेशा रूट नोड वाला लेवल जो है वो आपका जीरो होता है, उसके बाद लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, अगर इसके नीचे मजीद चाइल्ड होता है तो क्या होता है, लेवल फोर। अगर मैं आपसे पूछती इस ट्री का लेवल क्या, आप क्या कहते हैं, लेवल फोर है इसका, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा पाथ क्या होता है, मैं कहूँ मुझे जे का पाथ बताएं, तो जे का पाथ आप मुझे क्या बताएंगे, ए से बी, ए बी ई और फिर जे, तो जे का पाथ क्या हुआ, ए बी ई और जे। इसी तरीके से मैं कहूँ एफ का पाथ बताएं, तो एफ का पाथ क्या होगा, मुझे कोई बताए, ए सी एफ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें एंसेस्टर्स क्या हुआ है, आपके पाथ में जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो सारे क्या है, एंसेस्टर्स हैं इसके, इसका पेरेंट क्या है सी और एंसेस्टर क्या है ए। इसी तरीके से जे का पेरेंट क्या है ई और एंसेस्टर क्या है बी और ए। मिसे पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड एक बार फिर से बता दे, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड में कंफ्यूजन होती है, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। और इसके बाद जो भी नोड आ रहा है वो उसका चाइल्ड है, जो भी चीज नोड से ड्राइव हो रही है वो उसकी उसका चाइल्ड है, और जो भी उससे पहले है, इमीडिएट प्रीडेसेसर पहले वाला जो है वो उसका पेरेंट है। मींस ये मैं कहूँ कि एफ का पेरेंट होगा ए, वो जिससे ड्राइव हो रहा है सही, वो उस पेरेंट है। मैं कहूँ कि बी का चाइल्ड कौन है, ठीक है, चाइल्ड कौन कौन है, डी और ई और ये इसके ग्रैंड चाइल्ड हैं, एच आई और जे। सही, ठीक, डिग्री का बता दे मिस। अच्छा ये तो ये होता है आपका, डिग्री का बता दूं, डिग्री जो है वो आपके नंबर ऑफ डिग्री है। मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या है इस वाले बाइनरी सॉरी इस वाले सर्च ट्री की, सर्च ट्री भी नहीं सॉरी इस वाले ट्री की, तो इसकी डिग्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं वो इसकी डिग्री है, ठीक है। अच्छा ट्री की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो आपके बाइनरी सर्च ट्री आती है, एवीएल ट्रीज आते हैं, कोई क्या कहते हैं स्प्लिट ट्रीज आती हैं, ये सारी इतनी डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में इसमें। अच्छा एवीएल ट्री जो होती है वो आपकी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है, मींस ये कि मैं सिर्फ बता रही हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, ये एवीएल ट्री अभी नहीं है, क्यों, ट्री जो होती है वो सेल्फ आपके नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स जो है वो इक्वल होते हैं हमेशा। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लेवल थ्री पर इसमें क्या कहते हैं कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, ये बैलेंस ट्री नहीं है मेरी, AVL जो होती है बैलेंस ट्री होती है, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे वो बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन ये है कि आपके उसमें इसमें आपके एट मोस्ट दो चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं और एटलीस्ट कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट जीरो हो सकता है।
और इसकी कंडीशन क्या होती है बाइनरी सर्च, अच्छा ये जो कंडीशन है एटमोस्ट दो चाइल्ड होंगे और एटलीस्ट जीरो होंगे, तो ये मैं कह सकती हूँ ये बाइनरी ट्री का है, बाइनरी ट्री की कंडीशन है। और अगर मैं कहूँ बाइनरी सर्च ट्री, आपकी बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, होगी ये बाइनरी ट्री, इसमें भी ये दो कंडीशन एप्लीकेबल होंगी, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपकी जो लेफ्ट ट्री, अच्छा अब जैसे मैं ये देखूं यहाँ पर जो मेरे नोड्स हैं, ये एक लेफ्ट नोड है और एक राइट नोड है, राइट जो लेफ्ट नोड है जो राइट पर, मेरी आवाज कट रही है, एक मिनट रखना है, कनेक्शन चेंज कर लेते वैल्यू होगी, इट शुड बी लेसर देन योर रूट नोड, और आपके जो राइट नोड की वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन योर रूट नोड, मींस एक इसके पेरेंट नोड से इसकी वैल्यू जो है राइट नोड की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए और लेफ्ट नोड की वैल्यू जो है हमेशा स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं ये कहूँ मेरा ये रूट नोड है, मैम रिपीट कर दें, अभी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मिस, मिस बीच में आपकी आवाज गायब हो गई थी बिल्कुल। चलो ठीक है, अब आ रही है सबको? यस मिस। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या होती है, एटमोस्ट इसके दो चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं और एटलीस्ट जीरो नोड्स हो सकते हैं, मींस ये कि एक भी चाइल्ड नोड ना हो, या होंगे मोस्टली दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन मोस्ट दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी उसमें मैं कहूँ तीन नोड्स हैं, किसी नोड से तीन नोड्स ड्राइव हो रहे हैं, तो वो क्या बाइनरी सर्च ट्री होगा? तो वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल्स भी करवा देती हूँ। इसके अलावा बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या है, लेफ्ट नोड वैल्यू should be less than root. ठीक है, और इसी तरीके से जी मिस बोला आपने दो नोट्स का कहा है, तो उन दो नोट्स में और कोई फर्दर नोट्स हो सकते हैं, मतलब उन दो नोट्स से और कोई नोट्स निकल रहे हैं? टाइल नोट्स बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक नोट से तीन नोट ड्राइव नहीं हो सकता, मोस्टली दो ही हो सकता है। मिस ये सर्च ट्री और ट्री में क्या डिफरेंस है? सर्च ट्री और ट्री में क्या, बाइनरी सर्च ट्री जो है वो आपकी क्या कहते हैं बाइनरी ट्री है, ये लाजमी है, लेकिन हो सकता है बाइनरी ट्री आपकी बाइनरी सर्च ट्री ना हो। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो मजीद सब कैटेगरी है बाइनरी ट्री की। ठीक है, अब मैं कहूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, फिर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है ना, ये जरूरी नहीं है बाइनरी ट्री में हो, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में ये लाजमी है। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये है आपकी बाइनरी ट्री, ये आपकी बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, बाइनरी ट्री ये कैसा है, क्योंकि इसमें एटमोस्ट कितने चाइल्ड नोड्स हैं, दो, और यहाँ पर एक भी है, तो क्या ये बाइनरी ट्री होगा? यस मिस। Yes, miss. और एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर मैं कहूँ ये आपका बाइनरी ट्री है, क्या ये बाइनरी ट्री है? Yes. कैसे? सिंगल नोड है ना? Exactly. एक नोड हो सकता है, मैक्सिमम दो हो सकता है, लेकिन एक भी अगर हो तो वो बाइनरी ट्री आपका है। और कौन से बाइनरी ट्रीज नहीं होंगे, मैं दिखाती हूं आपको। अगर लेट से इस नोड से जो है वो तीन चाइल्ड नोड ड्राइव हो रहे होते, तो वो आपकी बाइनरी ट्री नहीं होती। और बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या है,
बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा जो आपके लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं वो लेस देन राइट साइड की वैल्यूज होंगी. यहाँ पर देखो राइट में जितनी भी वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पे हमेशा इससे थोड़ी वैल्यूज होंगी, रूट से भी छोटी और राइट से भी छोटी, और राइट जो है हमेशा ग्रेटर वैल्यूज होंगी. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री जो है वो आपकी ऑर्डर ट्री होती है, इसमें जो है हम ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं वैल्यूज इंसर्ट करते वक्त. मीन्स ये सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर रूट नोड पर मेरे पास 8 है. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं मेरे पास कहीं पर, मैं आपको नंबर ऑफ वैल्यूज दूंगा, मैं कहूँ आपको इसको बाइनरी सर्च ट्री में एंटर करना है वैल्यूज को. आप एंटर किस तरीके से करोगे कि जो भी आपकी वैल्यूज हैं रूट नोड की वैल्यू जो है हमेशा रूट नोड पे लेट से मैंने 8 सेट कर दिया. ठीक है, लेफ्ट नोड पे हमेशा रूट से लेसर वैल्यू होगी और राइट पर ग्रेटर वैल्यू होगी. इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब मैंने वैल्यू सेट की है लेफ्ट पे क्या है 1 और राइट पे क्या है 6. अब मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे ग्रेटर वैल्यू सेट करनी है, मैं यहाँ पर 10 सेट कर सकती हूँ. यस 10 सेट क्यों कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, बस ग्रेटर होना क्योंकि वो रूट से ग्रेटर है, लेकिन वो 8 से जो है ग्रेटर है. 8 से इस तरफ रूट से ग्रेटर कोई भी, अगर मैंने यहाँ पर 8 सेट कर दिया है तो 8 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू इस तरफ में सेट नहीं कर सकती, फिर मेरी बाइनरी सर्च ट्री गलत हो जाएगी. ओके ठीक है, मींस ये कि मैं सिर्फ यहाँ पर इसकी इमीडिएट को नहीं देखूंगी, इसके पूरे क्या कहते हैं पूरी लेफ्ट साइड देखूंगी रूट से. ठीक है, राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर वैल्यू होगी. इसी तरीके से राइट साइड पे भी क्या होगा, जहां पर 10 है तो यहां पर 10 से लेसर वैल्यू आनी चाहिए. सही. और यहां पर ग्रेटर, अब यहां पर मैंने 14 लिखा था, ठीक है मेरे पास 13 वैल्यू आ गई. मैं इसको राइट साइड पर 13 को नहीं लिख सकती थी क्योंकि 13 जो है वो स्मॉलर है 14 से, इसलिए मैंने इसे लेफ्ट साइड पर लिखा है. तो ये बाइनरी सर्च ट्री है आपकी, तो एट से ग्रेटर है ना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू 8 से स्मॉलर नहीं हो सकती. नहीं हो सकती, बस सही है. नहीं, राइट साइड पे स्मॉलर नहीं हो सकती और लेफ्ट साइड पे ग्रेटर नहीं हो सकती. तो मिस 13 है, ये लेफ्ट पे कैसे है 13? है तो राइट साइड पे. 13 लेफ्ट पे ऐसे है कि 8 से ग्रेटर है, राइट साइड पर इसलिए है, और ये 14 के लेफ्ट पर है. यहाँ पर भी आपको ये कंडीशन, अगर आप अभी भूल जाओ इसको, इस वाले को सिर्फ देखो, तो मुझे स्मॉलर वैल्यू कहाँ पर रखनी है, लेफ्ट साइड, 14 की लेफ्ट साइड पर है. ठीक है मिस, ठीक है. एग्जाम में ऐसा हो सकता है आप लोगों को कोई हो सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज दे दो और मैं मुझे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करके देना है, या ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों को कोई ट्री की एग्जांपल दे दूं और मतलब ट्री मैं बनाकर दे दूं और आपसे पूछूं कि ये सही है या नहीं. एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी वो मैं डिस्कस कर लूंगी और पेपर किस तरीके से आएगा. जी 14 के लेफ्ट पे जो ना 13 लिखा तो 13 की जगह 9 नहीं आएगा ना, यानी 10 से बड़ा ही होगा. 9 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है ना, मींस ये मेरे पास जो डेटा आ रहा है, जो डेटा है उसमें 9 है ही नहीं, यही वैल्यूज है तो वही इंसर्ट करूंगी ना. लेकिन 9 हो सकता है ना, 9 यहाँ पर बड़ा हो सकता है. सही. अच्छा ये, अच्छा इसमें आप जो ट्रीज होती हैं इसमें इसको आप ट्रैवर्स कैसे करते हो, इसको 3 तरीके से ट्रैवर्स करते हैं. इसका ट्रैवर्सल ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है. एक होता है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. ये क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपका क्या होता है, पहले आप लेफ्ट रूट विजिट करते हो, फिर रूट विजिट करते हो, फिर राइट रूट विजिट करते हो. ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होता है, इन का क्या मतलब है, रूट बीच में, रूट इज इन इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट. प्री ऑर्डर क्या होता है, रूट पहले है फिर लेफ्ट और राइट, और पोस्ट क्या होता है, पहले लेफ्ट राइट फिर रूट. रूट के लिहाज से हम इसे इन प्री और पोस्ट कह रहे हैं. ठीक है, ये मेरे पास एक ट्री है. ट्रैवर्सल क्या होता है, विजिट करना, नोड्स को विजिट करना. हम लिंगलिस्ट में या स्टैक क्यू में हमारे ट्रैवर्सल ऑर्डर क्या था, लिंगलिस्ट में किस तरीके से ट्रैवल करते थे, जो मेरी सिंगल लिंगलिस्ट होती थी उसमें मैं फॉरवर्ड ट्रैवर्स करती थी, राइट.
इसी तरीके से जो मेरी डबली लिंक्ड लिस्ट होती थी उसको मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से ट्रैवर्स कर सकती थी. ट्रैवर्स का मतलब होता है नोड्स को विजिट करना, उनकी वैल्यूज एक्सेस करना. स्टैक का क्या होता था, मैं हमेशा स्टैक का ट्रैवर्सल क्या था उसमें जो लास्ट एंड फर्स्ट राउट जो आपका लास्ट में एन हुआ है वो सबसे पहला निकलेगा, ये उसका ट्रैवर्सल था. इसी तरीके से क्यू में क्या था आपका फर्स्ट एंड फर्स्ट राउट जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा. इसमें किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं हम, तीन तरीके से, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आपका लेफ्ट रूट विजिट होता है, फिर रूट विजिट होता है, फिर राइट. प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट फिर राइट फिर रूट. इसके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके से आते हैं कि मैं आपको एक ट्री दूं और मैं कहूं इसको मुझे आप प्री ऑर्डर से विजिट करके दिखाएं, तो आपको क्या करना होगा, ये नंबर्स लिखने होंगे. मीन्स ये कि विजिट किस तरीके से किया. अब जैसे यहाँ पर देखो, ये ट्री है मेरे पास यहाँ पर, ये क्या है, एक बाइनरी ट्री है. क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? यस. नहीं नहीं नहीं, ये बाइनरी सर्च ट्री कैसे है? यस, किसने कहा है? बाइनरी सर्च ट्री अगर ये होती तो लेफ्ट पे हमेशा स्मॉलर वैल्यू होती, लेफ्ट साइड पे 2, 4, 5 तो नहीं आ सकता था. मेरी स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मेरे पास से तो शेयर हो रही है. आ रही है मैम. ठीक है. अच्छा, अब मैं कहूँ मुझे इसे इन ऑर्डर विजिट करना है. इन ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले आपकी लेफ्ट रूट विजिट होगा. मैं यहाँ पर आऊंगी अपने रूट पर, सबसे पहले क्या विजिट करना है मुझे, लेफ्ट साइड पर आ जाऊंगी. लेफ्ट साइड, ये राइट है ये लेफ्ट है. अब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने देखा एक और ट्री है, तो एक और ट्री में मुझे किस क्या विजिट करना है, सबसे पहले लेफ्ट, तो मैं चली गई इसके लेफ्ट पे. अगर यहाँ पर मेरे पास एक और ट्री होता इसके लेफ्ट पे, तो मैं क्या करती, उसके भी लेफ्ट पे चली जाती, पर नहीं है. तो अभी मेरे पास लेफ्ट मोस्ट क्या है, 4, राइट. उसके बाद मैं वापस आऊंगी, क्या विजिट करना है मुझे उसके बाद, रूट. रूट क्या है, 2. उसके बाद क्या विजिट करना है मुझे, राइट. मैं यहाँ पर आऊंगी, राइट पे क्या था, 5. तो लेफ्ट रूट और राइट विजिट हो गया. उसके बाद मैं आऊंगी यहाँ पर, मुझे क्या विजिट करना है, सबसे पहले लेफ्ट विजिट करना है, लेकिन यहाँ पर इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मैं क्या विजिट करूंगी उसके बाद, रूट. तो यहाँ पर रूट में आ गया 1, और उसके बाद क्या विजिट करना है, राइट. तो इसकी एन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या हुई, 4, 5, 1, 3. फाइव के बाद आप डायरेक्ट 1 पे चली जाएंगे. 5 के बाद मैं डायरेक्ट 1 पे इसलिए गई हूँ क्योंकि मैं 2 विजिट कर चुकी हूँ. यस मिस. ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं 1 पर नहीं जाती. अगर इसके लेफ्ट पे कुछ होता ना तो मैं इसके लेफ्ट पे जाती, पर चूंकि इसके लेफ्ट पे नहीं है तो लेफ्ट के बाद हमें क्या विजिट करना है, रूट. तो रूट क्या रह गया, 1. समझ आई मेरी बात? मैं दोबारा बता देती हूँ. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ्ट रूट विजिट करते हैं, लेफ्ट नोड विजिट करते हैं, फिर रूट विजिट करते हैं, फिर राइट करते हैं विजिट. मैंने कहा इसको मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है. ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगी, सबसे पहले क्या विजिट करना है मुझे, लेफ्ट. लेफ्ट पर आई, मैंने देखा यहाँ पर एक और ट्री बनी हुई है, मैं उसके लेफ्ट पे चली जाऊंगी, राइट पर नहीं जाऊंगी, उसके लेफ्ट पे चली जाऊंगी. उसके लेफ्ट पे मैंने देखा 4 है. अगर यहाँ पर मजीद कुछ ट्री होती तो मैं क्या करती, लेफ्ट पर चली जाती, पर यहाँ पर नहीं है तो अभी मेरे पास मोस्ट लेफ्ट क्या है, 4. मैंने 4 नोट कर दिया यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आई, अब मुझे क्या विजिट करना है, रूट. रूट क्या था, 2. मैंने 2 लिख दिया. उसके बाद क्या विजिट करना है रूट के बाद, राइट. राइट पर आई मैं, राइट मोस्ट पे क्या है मेरे पास, 5. तो मैंने क्या कर दिया, 5 नोट कर दिया. उसके बाद मैं दोबारा अब यहाँ पर आऊंगी, ये तो विजिट हो चुका है, राइट. यहाँ पर अब मैं आऊंगी, मुझे क्या विजिट करना है, लेफ्ट. लेफ्ट पर आई, कुछ भी नहीं था. तो दोबारा अब मैं किस पर आ जाऊंगी, रूट पर. लेफ्ट के बाद किसको विजिट करना है, रूट को. रूट क्या था, 1. तो मैंने 5 के बाद 1 लिख दिया. उसके बाद क्या विजिट करना है, राइट. राइट पर आई, 3 था, 3 लिख दिया. कुछ क्लियर हुआ? मिस, 5 का लेफ्ट क्या होगा अगर कुछ तो भी होता है? तो 5 के लेफ्ट पे तो कुछ भी नहीं है ना अभी. तो मिस, आप 5 के बाद कौन सा लेफ्ट बोलने की, अगर 5 के बाद ये वाला लेफ्ट होता तो कौन सा लेफ्ट? मैं यहां पर 5 के बाद वो विजिट करती थी मैं थोड़ी इसमें थोड़ी ज्यादा वो चाइल्ड करवाती हूं. ठीक, वो भी करवाती हूं. पहले ये देख लो इसके तीनों ट्रैवर्स. मैं ये कह रही थी कि 5 के बाद 2 विजिट मैं कर चुकी थी, तो 2 अब मुझे विजिट नहीं करना है. मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर मुझे इसका लेफ्ट विजिट करना है, पर इसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो क्या विजिट होगा,
रूट नोड, लेफ्ट के बाद रूट है फिर राइट है। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है अभी जो है अब प्री ऑर्डर करना है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट होता है फिर लेफ्ट होता है फिर राइट होता है। मैं यहाँ पर आई, सबसे पहले क्या विजिट करना है मुझे, रूट। रूट क्या है, वन, मैंने वन नोट कर दिया। ठीक है उसके बाद क्या नोट करना है, ट्रैवर्स करना है मुझे लेफ्ट। लेफ्ट पर आई, लेफ्ट पे क्या है आपका टू है, मैंने यहाँ पर टू नोट कर दिया। उसके एक मिनट, यहाँ पर आप आए, सबसे पहले रूट विजिट किया, उसके बाद आप लेफ्ट पर आए, लेफ्ट पे आपने टू था, टू नोट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आए, इसके क्या कहते हैं, ये आपका रूट नोड हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसका चाइल्ड नहीं है, कोई भी लेफ्ट राइट नहीं है, तो यहाँ पर आपने फोर विजिट कर लिया। फोर के बाद इसके क्या कहते हैं, राइट, लेफ्ट के बाद राइट विजिट किया आपने। रूट नोट करने के बाद उसका लेफ्ट विजिट करना है फिर राइट विजिट करना है। यहाँ पर रूट विजिट किया, उसके बाद इसका लेफ्ट विजिट किया, राइट विजिट किया। सबसे पहले मुझे बात सुनो, सबसे पहले आए वन पे, वन विजिट कर लिया, उसके बाद मैं आई इसके लेफ्ट पे, रूट के बाद लेफ्ट विजिट करना है। लेफ्ट विजिट किया, मैंने टू लिख दिया, टू रूट था। अब टू के लेफ्ट पर आई फोर, उसके बाद लेफ्ट के बाद क्या विजिट करना है, राइट, राइट पे क्या है फाइव। अब टू और वन विजिट हो चुका है, मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर इसका लेफ्ट नहीं था, तो अब क्या रह गया मेरे पास, राइट, तो मैंने राइट विजिट कर लिया। फाइव के बाद थ्री आ जाएगा। अच्छा अगर मिस फोर के भी लेफ्ट पे होता तो हम लेफ्ट पे चलते रहते पहले। हाँ पहले यहाँ से कंप्लीट करते फिर यहाँ पर आते। ओके इसी तरीके से इसकी पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में क्या। नहीं आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं? मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही थी आप लोगों में से अपने एंड पर कोई कर ले, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता और मैंने ट्राई किया मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो आप लोग अपने पास कोई कर ले रिकॉर्ड क्लास से। क्योंकि वैसे यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए बट मेरे पास आ नहीं रहा होता। क्लास का सीआर कर ले, कोई भी कर ले क्लास से एक रिकॉर्ड। वैसे मैं वीडियोस शेयर करवा दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा प्री पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आप लेफ्ट विजिट करते हो फिर राइट विजिट करते हो फिर रूट विजिट करते हो। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। यहाँ पर मैं आई लेफ्ट पे, देखा मैंने मजीद यहाँ पर ट्री बन रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं इसके लेफ्ट पर आई, यहाँ पर मजीद कोई ट्री नहीं है, सबसे लास्ट ये है, तो मैंने फोर विजिट कर लिया। लेफ्ट के बाद क्या विजिट करना है मुझे, राइट। अब इसके राइट पे क्या है, फाइव, तो फाइव विजिट कर लिया मैंने। जब मैं यहाँ से वापस आई, अब क्या विजिट करना है मुझे, रूट, सबसे पहले लेफ्ट राइट और फिर रूट। ठीक है फिर मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, फिर राइट क्या है, राइट की फिर रूट। ठीक है लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, समझ आया? यस। अच्छा ये हमने नॉर्मल ट्री की ट्रैवर्सल की है। इसी तरीके से आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है, ये मेरे पास क्या है, एक बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। यहाँ पर जो है आपके रूट पर 100 है, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर उससे स्मॉलर 20, उसके लेफ्ट पर 10 उससे स्मॉलर, लेकिन यहाँ पर राइट पर क्या है, 20 से ग्रेटर। और यहाँ पर आप राइट पर आ जाओ, ये 200, क्योंकि ये इसके क्या कहते हैं राइट पर है, ये इससे ग्रेटर। अब इसके लेफ्ट पे इससे स्मॉलर होगा 150, और तो आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही मैम, मिस बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज, मिस बिल्कुल भी नहीं आ रही। वैसे आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसा लग रहा है एलियन से बातें कर रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही मैम, लेफ्ट कर चुके हैं भाई।
यार मिस को बोलना है लास्ट क्लास की भी जो रिकॉर्डिंग किया उन्होंने जो कोड लिखवाए थे वो भी शेयर कर दें। ना ये वाली बात नहीं बोलनी है, मना किया अल्ताफ भाई ने, मना किया। मैं नमाज ब्रेक है, नमाज पढ़ कर दो सब नमाज। लोग एफबी पे अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन इनटू यूबीआईटी के स्टेटस डाल लिया। क्या चल रहा है भाई? अब आ रही है मेरी आवाज? यस मिस। यस मैम। ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से क्या होता है हमें अच्छा एक काम करते हैं असर की नमाज का ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। जिस जिसने नमाज पढ़नी है सब जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाएं, हो सकता है तब तक कनेक्शन भी बेहतर हो जाए। ठीक है अभी जो है 5 बज रहे हैं, 5:10 पे जो है मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगी। ठीक है जल्दी से सब नमाज पढ़ लें। थैंक यू मैम। ओके 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं।
ओके क्लास 5:12 हो गए, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं ये बता रही थी, मेरी आवाज आ रही है सबको? अब क्लियर है? यस मिस, आ रही आवाज। ठीक है, यस मिस। बाइनरी सर्च ट्री का मैं आपको बता रही थी कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है कि जब आप उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको मींस ये कि मैं आपको अगर कहूँ एक एरर दूं और मैं आपको कहूँ इसको जो है मुझे बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू सॉर्ट करके बताएं, आप क्या करेंगे, उसको पहले बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उस तरतीब मैम फिर से आवाज चली गई। मिस क्लियर नहीं आ रही आवाज, मिस बिल्कुल ही नहीं आ रही आवाज, मिस बहुत कट कट के आ रही आवाज, क्या प्रॉब्लम हो गई है? एक मिनट, मेरे पास सिग्नल्स भी नहीं आ रहे ठीक से। अब आ रही आवाज मेरी? फिलहाल तो आ रही है। ठीक है, जब ना आए तो मुझे बताइएगा। फिलहाल आ रही है तो अब हम सुन लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में मैंने कहा कि जब हम इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में इसके क्या होता है, आपको सॉर्टेड एरर मिलता है। मेरे पास ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, सब इस बात से अग्री करते हैं ये बाइनरी सर्च ट्री है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? मिस स्क्रीन शो नहीं हो रही। अटेंडेंस चैट में लगा सकते हैं। सेक्शन ए वालों की अटेंडेंस हो चुकी है और सेक्शन बी वालों की अटेंडेंस जो है वो, अच्छा मेरे पास से जो आप लोगों की पहले की अटेंडेंस थी वो सारी जा चुकी है क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं और जिसने क्लास लेनी है वो ले, जिसने नहीं लेनी है वो अटेंडेंस अपनी लिखकर चला जाए। मैं ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है, मैं कह रही थी कि इसको इन ऑर्डर जब ट्रैवर्स करेंगे तो हमें सॉर्टेड एरर मिलेगा। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, आपके सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्री है, यहाँ इस को इन ऑर्डर ट्रैवर्स मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले मैं आई लेफ्ट पे, लेफ्ट पे क्या इसके मजीद एक ट्री है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसके लेफ्ट पे, इसके लेफ्ट पे क्या है, 10 है, इसके आगे मजीद कोई ट्री नहीं है, ये लीफ नोड है, तो मैं 10 नोट कर दूंगी। लेफ्ट के बाद क्या विजिट करना है हमें, रूट, रूट पे क्या है 20, रूट के बाद क्या, राइट, लेफ्ट, रूट, राइट, मैं यहाँ पर आई, अच्छा लेफ्ट विजिट हो गया अब इसका, अब आपने क्या लिख देना है, रूट। अब इसके राइट पर आई, राइट पे कहां पर आऊंगी, सबसे पहले लेफ्ट पे, लेफ्ट पे क्या है 150, फिर रूट 200, फिर राइट 300, आपकी बाइनरी सर्च ट्री जो है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्स हो गई। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से इसके क्या आएगा, 10, 20, 30, 100, 150, 200, 300, ऐसे ही आया था, समझ आया, सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, फिर रूट, लेफ्ट, रूट और राइट। मसला इस बात में किसी को? अभी एक एग्जांपल हम और करके देख लेंगे, इसी तरीके से इसकी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी होगी और पोस्ट ऑर्डर भी होगी। एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करने का था किसी ने, तो ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। ये करके देखना, ठीक है, इसमें बहुत सारे चाइल्ड हैं। इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट, रूट, फिर राइट,
यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट पे आई मैं, मेरे पास एक और ट्री है यहाँ पर आई। अब यहाँ पर मैं 10 नहीं नोट करूंगी, क्यों? क्योंकि इसके आगे मजीद एक ट्री है। इस ट्री आए, इस ट्री के कहाँ लेफ्ट मोस्ट पे मैं सबसे पहले आ गई, लेफ्ट, फिर बाद रूट, फिर राइट, 4, 10, 12, फिर मैं कहाँ पर आई, रूट 15, फिर वहां पर कहाँ पर आऊंगी, लेफ्ट पे, यहाँ पर आई, एक और ट्री थी लेफ्ट, रूट के बाद राइट, फिर राइट। अब आपका आवाज फिर कट हो रही है। मिस आपकी आवाज फिर मेरी पेशे सुना दें। मेरे पास तो सिग्नल सही आ रहा है। अच्छा एक दफा ये ट्रैवल्स, अच्छा मैं फिर से समझा देती हूँ। इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट पे, लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट, रूट, राइट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आई, लेफ्ट विजिट हो गया, अब क्या विजिट करूंगी, रूट, सही, हेलो आवाज आ रही है? ठीक है आवाज। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस यस यस, ठीक है यस। अच्छा मैं ये बता रही थी, इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है। हमने यहाँ पर आया, आप सबसे पहले लेफ्ट, रूट, फिर राइट, 4, 10, 12, फिर 15, क्योंकि ये रूट है, फिर यहाँ पर आया लेफ्ट, 18, फिर राइट, सॉरी 18 के बाद रूट, लेफ्ट के बाद रूट, फिर राइट, 22, फिर 24, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, 22 विजिट हो चुका है, 15 विजिट हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगी, 24 के बाद 25, फिर यहाँ पर आऊंगी, फिर यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, फिर यहाँ पर आई रूट, फिर यहाँ पर इसका लेफ्ट, राइट, सॉरी लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। इन ऑर्डर में इस तरीके से होगा, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट विजिट होगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। रनिंग ऑर्डर में होगा ना, इन ऑर्डर में करेंगे तो आपके लेफ्ट पर जो है वो स्मॉल और राइट पर जो है वो ग्रेटर है। बाइनरी ट्री में तो इट कैन बी एनी नंबर, मतलब कहीं पर भी ग्रेटर हो सकता है, कहीं पर भी लेसर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, ठीक है। यहाँ शेयर करवा दूंगी, वैसे इंटरनेट पर भी है, जैसे दिख भी रहा है आप लोगों को, तो आप लोग देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद समझ सकते हैं, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखनी है, बाकी पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर उसका क्या कहते हैं ट्रैवर्स करके आप इसकी वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है। हमें आगे जो है वो लॉजिक गेट्स भी पढ़ना है, तो मैं अब आगे बढ़ देंगे उससे। अगर समझ नहीं आया दोबारा से चेक कर लीजिएगा, फिर भी समझ ना आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी ये लास्ट क्लास का भी जो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगी, जो भी उसका कोड था लेकिन अगर हम 15 को लेते हुए एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे तो वो 24 है, यानी राइट मोस्ट जो वैल्यू है 15 को लेके वो 24 है, तो यानी
वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी ना, यानी इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी 15 को लेकर यहाँ ये बाइनरी सर्च बोलना क्या चाह रहे हैं, से छोटा है तो, और जो 24 है वो 15 के यानी राइट मोस्ट में, यानी 15 से वो यानी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए 15 से बड़ा है वो इसलिए राइट पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू 25 से बढ़ती 25 से बड़ी नहीं है, ये लेफ्ट पर है, नहीं 25 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए 24 पर एंड ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, वरना वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगी ना, ये तो बाइनरी सर्च ट्री है, इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, जैसे देखें इन ऑर्डर जब हमने ट्रैवर्स किया तो क्या हो रहा है 4, 10, 12, 15 ये आपके जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड आ रहे हैं, सही है मिस, ठीक है। अब जो हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे अपना, जी मिस, इसमें 25 के बाद एक दफा बताएंगे कि 31 कैसे प्रिंट हो रहा है, 50 क्यों नहीं हो रहा 25 के बाद जी, इसलिए क्या होता है पहले लेफ्ट फिर रूट, तो जब आप यहाँ पर 25 पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट विजिट करना है, जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट विजिट किया था ना 4, जब यहाँ 25 के बाद आप इससे यहाँ यहाँ पर आएंगे 50 पर आप देखेंगे यहाँ पर आगे भी एक ट्री है इसके लेफ्ट पर, फिर 35 पर देखेंगे तो इसके आगे भी एक ट्री है, तो क्या करेंगे जब आप 31 पर आते हैं तो देखते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो आप 31 राइट डाउन कर देते हैं, 30 लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद क्या विजिट करना है रूट, रूट क्या है इसका 35, फिर क्या विजिट करना होता है राइट, राइट क्या है 44, अब जब मैं यहाँ पर आई अब लेफ्ट विजिट कर लिया, लेफ्ट के बाद क्या हो गया, क्योंकि इसके लिए ये पूरा लेफ्ट ये वाला बन गया था ना, अब लेफ्ट के बाद क्या हो गया रूट, रूट पे मैंने 50 लिख दिया, रूट के बाद क्या राइट, राइट पर जब मैं आती हूँ तो एक और ट्री है, और ट्री में क्या फॉलो होता है पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, ठीक है मिस, हमें ये तीनों मेथड आने चाहिए, हाँ ये ट्री ट्रैवर्सल के मेथड है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है पहले विजिट करना है, सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। अच्छा मैं लॉजिक गेट स्टार्ट करवा रही हूँ, हमारे पास जो बेसिक, अच्छा लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट है, इसका कोड नहीं करना है अभी, हमने कोड इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिंक्ड में ही आप लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे, लिंक्ड स्टैक और क्यू इनका कोड करना है अपने पाइथन पे, बाइनरी ट्री का नहीं करना है, तो मिस यानी पेपर में वैसे उन्हीं का कोड आएगा ना, बस स्टैक और लिंक्ड लिस्ट आएगा, जो मैंने पढ़ाया है पेपर में वही आएगा, पेपर आप लोगों का मैं बनाऊंगी और जो चीजें मैंने पढ़ाई है मैं उसी से पेपर कवर करवाऊंगी, मिस पेपर पे कोड लिखने होंगे, जो मैंने कोड करवाया है हो सकता है वो लिखना हो, मींस ये मैं लॉजिक देखूंगी आप लोगों का, अगर सिंटेक्स में कोई मसला हुआ तो इट्स ओके, बट लॉजिक सही होनी चाहिए आप लोगों की, अगर मैं आपको लेट्स से कह रही हूँ कि आप मुझे एक स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाएं स्टैक के थ्रू, इसका आपने कोड लिखना है, आपके कोड की लॉजिक सही होनी चाहिए, हो सकता है सिंटेक्स गलत हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा अब मैं लॉजिक गेट स्टार्ट करवा रही हूँ, टाइम नहीं है, अच्छा खासा टाइम इसी पर लग गया है, लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे बेसिकली, लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये आपके बाइनरी लॉजिक्स पर, बाइनरी वैल्यूज पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, या उसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, या जीरो होता है या वन होता है, ठीक है। आपके इन बाइनरी लॉजिक सर्किट्स के थ्रू जो है ये आपके डिजिटल सर्किट्स बनते हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल सर्किट है, डिजिटल लॉजिक डिवाइस है, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक आपके पास, ये भी मैं शेयर करवा दूंगी, ये मैं सेव कर लेती हूँ, डेस्कटॉप पर ही कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा हमारे पास जो है बेसिक गेट्स कितने होते हैं, सबसे पहला जो आपका गेट होता है वो नॉट गेट होता है, दूसरा जो गेट होता है आपका एंड गेट होता है, तीसरा जो होता है आपका और होता है, ये तीन हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इसके बारे में पहले सुना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली हम यूज भी कर चुके हैं, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट गेट क्या होता है आपका इन्वर्टर होता है, इसमें जो है कोई भी का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ये अपने इनपुट को जो है वो इन्वर्ट कर देता है, मींस ये अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं,
जो कि यहाँ पर पता नहीं ठीक से बनेगा या नहीं. लेट से मैं कहती हूँ कि मेरा एक इनपुट है ए और इसका आउटपुट क्या होगा, ए बार. ठीक है, इनपुट पर अगर मेरे पास जीरो आ रहा है तो ए बार वन हो जाएगा, और अगर इनपुट पे वन आ रहा है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा. ये क्या होता है बेसिकली, ये जीरो और वन क्या आपके ये वोल्टेज के लेवल्स हैं. ये हम मतलब इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली सर्किट्स किस तरीके से बनाते हैं, बेसिकली आप लोगों ने अभी वो नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन आप लोग एंटर करके आए तो उसमें ट्रांजिस्टर आप लोग पढ़ चुके हैं. जो आपका ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली आपके जितने लॉजिक गेट्स होते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बने हुए होते हैं. ठीक है, ट्रांजिस्टर अब इनकी बैक पे वर्किंग किस तरीके से होती है वो मैं नहीं समझा रही. उसमें आपके वोल्टेज के लेवल होते हैं. अगर आपका वोल्टेज का लेवल लेट्स से जो मेरा हाई लेवल है वो 5 है, 5 वोल्ट है, और जो लो लेवल है वो 0 वोल्ट है. अगर मेरे आउटपुट पे 0 वोल्ट आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, मेरी जो लॉजिक है वो लो आ रही है, आउटपुट पे 0 आ रहा है. अगर मेरे पास आउटपुट पे 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, लॉजिक मेरी 1 है. ठीक है, जो आपके नॉट गेट होता है वो आपका इन्वर्टर होता है, आपका जो आउटपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1, 1 को 0. जो आपका एंड गेट होता है वो आपके आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहा होता है. एंड गेट का ट्रुथ टेबल किस तरीके से होता है, लेट्स से इसमें आपके दो इनपुट्स होते हैं, वैसे तीन भी हो सकता है. अच्छा, आपके कॉम्बिनेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर n. अब ये अज्यूम कर लेते हैं n है. ठीक है, ये n क्या आपका नंबर ऑफ इनपुट है, जितने आपके नंबर ऑफ इनपुट होंगे उतने आपके कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे आउटपुट के. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास नॉट गेट में इनपुट मेरा कितना था, 1, तो 2 की पावर 1 इज 2. तो यहाँ पर आपके दो कॉम्बिनेशन है. ठीक है, 1 एंड 2. अगर मैं कहूँ मेरे पास एंड गेट में दो इनपुट्स हैं तो 2 exponential 2 means 4. अगर आपके पास दो इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4. अगर आपके पास तीन इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8. ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ मेरे एंड गेट में दो इनपुट्स हैं ए और बी, और इनका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी. एंड गेट जो है वो आपका इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहा होता है. इसमें क्या होता है, सबसे पहले 0 0, ये हम इस तरीके से लिखते थे, 0 1 0 1. ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 ठीक है. अब इसका आउटपुट मुझे कोई बताए, एंड गेट में क्या होगा अगर मेरे पास दोनों इनपुट पर 0 0 आ रहा होगा, 0 0, और अगर 0 1 होगा तो 0 0, इस पे 0 1 0, और यहाँ पर इस पे भी 0 1 1 1 1, इस पे 1 आएगा, 1 into 1 1. 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1. और गेट में आपका क्या होता है, और गेट की एडिशन हो रही होती है. बिल्कुल, यहाँ पर लेट से है मेरे पास ए और बी, इनका क्या होगा आउटपुट, ए प्लस बी. सेम मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 1 0 पे 1 1 1 1 पे 1. अच्छा, हो क्या रहा होता है, इनके सिंबल्स में दिखा देती हूँ आप लोगों को, जो आप लोग हो सकता है देख भी चुके हूँ. एंड गेट, एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, दो इनपुट्स आ रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ए बी सी और आउटपुट. अगर मैं आपको तीन इनपुट के लिए लॉजिक ट्रुथ टेबल बनाने बोलूं तो बना लोगे, कोई मसले की तो बात नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करवानी है. ठीक है, ये एंड गेट का सिंबल है, ठीक है, ये और गेट का सिंबल है, ये ठीक है. अगर मेरे यहाँ पर
बबल्स बने हुए हो यहाँ पर, दो बबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड है इसका आउटपुट, मीन्स ये कि अगर मैंने यहाँ पर बबल बनाया तो ए की जगह क्या जा रहा होगा यहाँ पर, ए बार, ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई मसला? सर्किल नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल, बबल जो होगा वो आपके नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से आपके एंड और गेट होते हैं, एंड का जो आपका इन्वर्टेड गेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नैंड गेट। किसी ने सुना है नैंड गेट के बारे में? इसी तरीके से आपका और का जो इन्वर्टर होता है क्या होता है, नॉर गेट। इनका ट्रुथ टेबल क्या होता है नैंड और नॉर का? और का जोर नहीं होता? नहीं, और का जोर नहीं होता, और का नॉर होता है। जोर जो होता है वो एक्सक्लूसिव और होता है। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम नैंड के लिए बना लेते हैं। गलत हो गया, ये जो है आपका और है। नैन के लिए क्या होगा, ये क्या होता है, ए और बी का बार, ए इंटू बी का, क्या होगा यहाँ पर बताओ? वन। जीरो जीरो पे क्या आएगा? वन आ जाएगा। वन आ जाएगा। जीरो वन पे? वन। जीरो। और इसके जीरो आएगा। जीरो आए। जीरो आएगा। यहाँ जीरो आएगा, ठीक है। नैंड का ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये आपको पूरे एंड को इन्वर्ट कर लो, आप जहां जहां पर जीरो है वहां वहां पर वन आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टर है। इसका आउटपुट, इसका सिंबल मैं दिखाती हूँ नैंड का किस तरीके का होता है। ये आपके एंड के आउटपुट पर एक बबल लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी आ रहा है, लेकिन उसको कैसे आ रहा है, उसके ऊपर बार, ठीक है, ए डॉट बी के ऊपर बार। इसी तरीके से आपका नॉर होता है, नॉर क्या होता है, नॉट और होता है, ए प्लस बी के ऊपर बार होता है। इसका आउटपुट बताओ मुझे। वन जीरो जीरो जीरो। इसका माइक खुला हुआ है, जो बता नहीं रहा वो बंद कर ले। क्या कहा? 1 0 0 0 1 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा यहाँ। इसका इन्वर्ट यहाँ पर वन आ गया, बाकी जगह जीरो आ गया। अच्छा, और जो आपका जोर होता है, जोर की लॉजिक क्या होती है, अभी हमने देख लिया नॉट एंड और नॉर नैंड, और अब हम देखते हैं जोर क्या होता है। जोर जो होता है वो आपका एक्सक्लूसिव और होता है। जोर का जो बेस, जोर की जो लॉजिक होती है वो होती क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। ये इस और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, मैं दिखाती हूँ। बेसिकली जोर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, और जोर रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। जोर, अगर मैं कहूँ आपने जोर बनाना है, तो जोर के पीछे जो लॉजिक होती है, जोर जो इक्वेशन जिसके ऊपर जो इक्वेशन फॉलो कर रहा होता है, वो क्या फॉलो कर रहा होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये हम प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं, पता किस तरीके से कर सकते हैं, पहले हम जोर का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जोर का ट्रुथ टेबल, जोर की लॉजिक ये होती है कि आपके इवन नंबर ऑफ वन पे जीरो आउटपुट आता है, और ऑड नंबर ऑफ वन पे आउटपुट वन होता है। यहाँ पर आपका वन क्या है, नंबर ऑफ वन कितने हैं यहाँ पर, जीरो, मीन्स इवन है, जीरो इज अ इवन नंबर, तो आउटपुट क्या है आपका, जीरो।
odd number of one पे output one आता है. यहाँ पर number of ones कितने है? One is odd, तो output one आ गया. यहाँ पर आपके odd number of ones कितने है? One odd है, इसलिए one आ गया. यहाँ पर आपके number of ones कितने है? Two is even, तो यहाँ पर क्या आ गया? Zero. ये बात समझ आई? Yes, miss. जोर की लॉजिक ये है. अब मैंने कहा इसकी इक्वेशन जो है होती है आपकी a बार b प्लस ए बी बार होती है. ये हम प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं. हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? मैं कह रही हूँ कि जोर की जो इक्वेशन, पहले मैं ट्रुथ टेबल कॉपी कर लेती हूँ. ये मैं जोर के लिए बना रही हूँ, ठीक है? मैं अभी लॉजिक से नहीं, मैं इसको अभी फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ. ए और बी है, मैंने कहा कि ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है? अब इसमें मेरे पास क्या है, सबसे पहले मुझे इसको, तो सबसे पहले मैं एक ए बार बना लेती हूँ अपने पास, ठीक है? और एक फिर मैं ए बी बना लेती हूँ, इसके बाद मैं बी बार बना लेती हूँ और ए बी बार बना लेती हूँ. ए बार में क्या वैल्यूज आएंगी? ए बार में बताओ क्या आएगा? 1100, 1100, 1100, ठीक है? अच्छा, ए बार भी होना चाहिए ना, ए बार भी और ए बी बार, सही है? प्लस होने बाद में यहाँ पर ए बार बी में, ए बार मल्टीप्लाई बाय बी मींस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 आएगा, 0 0 सारे 0 जाएंगे, ठीक है? अब मैं बी बार देख लेती हूँ. बी बार में क्या आएगा बताओ? 1 0 1 0 1 0 1 0 और ए बी बार 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0. अब मैं यहाँ देखती हूँ क्या आएगा. मुझे इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को क्या करना है, प्लस करना है. 0 + 0 0 1 1 0 1 0 1 0. ये बात प्रूफ हो गई कि ये इक्वेशन सही है जोर के लिए, क्योंकि जोर का जो आउटपुट होता है वो 0 इक्वेशन को प्रूफ किया यहाँ पर, तो भी आउटपुट क्या आया है? 0 1 1 0, ठीक है? प्रेजेंट करना हो क्योंकि ए और इस तरीके से सर्कल की जगह मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. मैं इसी वाली बात दोबारा बता दें, आपकी आवाज कट गई थी. मैं ये कह रही थी कि मैंने कहा था जोर की इक्वेशन जो है वो ए बार बी प्लस ए बी बार होती है. अगर मुझे कहीं जोर की जगह पर मुझे कहीं फर्ज करो मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर ए जोर बी है और मुझे उसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं अपने ए इस तरीके से जो सर्कल बना हुआ था उसको इस फॉर्म में लिखकर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, हमारे पास जो है वो इसी तरीके से जोर का भी एक इन्वर्टर होता है, एक्स नॉर जिसे हम कहते हैं. उसमें क्या होता है, आपका ये जो जोर का आउटपुट है इसको रिवर्ट कर दो, यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है? ये आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, लेकिन जो आपके बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो आपके तीन ही होते हैं, एक नॉट, एंड और इन्हीं के थ्रू हम बाकी सारे लॉजिक गेट्स बनाते हैं. एंड भी आपका इन्हीं के थ्रू बनता है, नॉर भी आपका इन्हीं के थ्रू बनता है, ठीक है? अब आपकी जोर की डायग्राम बता दें एक दफा. जोर की डायग्राम बता दूं, सिंबल बता दूं? यस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था यार. कॉम्प्लिकेटेड था? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स जस्ट लाइक योर और, सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन है. ये एक्सक्लूसिव और है, ये आपका जोर है और इसके आगे बबल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स नॉर. मिस, इसके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अभी बताती हूँ, अभी करवाती हूँ. ये यहीं पर खत्म नहीं हो रहा, आगे भी है.
अच्छा अब फर्स्ट करो, मैं आपको एक लॉजिक डायग्राम दूं और मैं कहूं कि आप मुझे उसकी इक्वेशन बनाकर दिखाएं, जैसे कि लॉजिक सर्किट, डिजिटल लॉजिक सर्किट। लेट्स से मैं आपको ये एक सर्किट दूं, मैं कहूं मुझे इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ, बना लोगे? नहीं मैम। क्यों नहीं बना सकते, इसमें तो कुछ मुश्किल तो नहीं है? अभी हमारे पास देखो यहाँ पर तीन इनपुट्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, ये मेरा कौन सा गेट है? एंड। ये नैंड है, इसके आगे एक बबल बना हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? नैंड हो गया। नैंड का क्या मतलब होता है? जो भी आपकी जो चीज मल्टीप्लाई, जैसे बाल, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये क्योंकि यहाँ पर इसके इनपुट पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है और बी आ रहा है, ए और बी का बार, सही है? यहाँ पर ए बी का बार आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बार हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके इनपुट पे कौन, यहाँ पर है ए बी बार, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी बार। अब ये क्या हो रहा है, ये सारे एंड हो रहे हैं, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूँ इसकी इक्वेशन बनाकर दिखाओ मुझे, जिस तरीके से उसकी बनाई है इसी तरीके से इसकी भी बन जाएगी। अ डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन इज शोन, ट्राइ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द डिजाइन, डू नॉट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिर्फ इसके बुलियन एक्सप्रेशन बनाकर दिखाना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो फाइनल ईयर का लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। फाइनल ईयर का तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बहुत बेसिक है, डिजिटल डिजिटल लॉजिक डिजाइन की। एक मिनट दिखाती हूं मिस। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब ट्रुथ टेबल ही बनाना है ना? बूलियन एक्सप्रेशन बनाने का मतलब है कि आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देना है मुझे, जब मैं कहूं ट्रुथ टेबल बनाना है तब आपने बनाना है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है सिर्फ आपने इस तरीके की एक्सप्रेशन देनी है, जैसे ये ए बी ए बार प्लस बी बार, ठीक है? अच्छा, ये जो है वो सिंबल्स हैं आपके, नैंड का सिंबल ये है, नॉर का सिंबल ये है, क्या है ये? सिर्फ एंड के आगे एक बबल लगे है, तो ये क्या हो गया? नैंड हो गया। इसी तरीके से और के आगे एक बबल लग गया, तो ये क्या हो गया? नॉर हो गया। अगर मैं इस तरीके से, अच्छा इसकी भी ये वाले और से पहले, और के इनपुट्स पे अगर मैं बबल लगा दूं, मीन्स ये ए जगह ए बार आ रहा है, बी की जगह बी बार आ रहा है, तो भी ये आपको नैंड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो ए बी बार होता है आपका, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? ए बार प्लस बी बार के, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हम सब पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में पढ़कर आए होंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ए बी के ऊपर अगर बार है तो वो किसके बराबर होगा? ए बार प्लस बी बार के, राइट? और नैंड की इक्वेशन क्या होती है आपकी? ए बी बार, सही है? और अगर मैं कहूँ कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पर ए आ रहा था, यहाँ पर बी आ रहा था, तो ए बार हो गया, बी बार हो गया, और ये क्या था? और ए बार और बी बार प्लस हो गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। ये बात समझ आ रही है? देखो और से देखो, इसमें आ गई समझ? आ गई, किसी को कोई मसला तो नहीं है? सेम एज इट इज यहाँ पर होगा, अगर मेरे पास ए प्लस बी के ऊपर बार है तो ये ए बी बार हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो फॉर्म होती है हमारे पास, इसे हम कहते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ, इसमें दो चीजें आपकी होती हैं, आपके एक्सप्रेशंस दो फॉर्म में होते हैं, ठीक है? जब भी मैं कहूँ बुलियन एक्सप्रेशन आपने दिखाना है, वो कितने फॉर्म में होंगे? दो फॉर्म में होंगे, एक या तो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, मीन्स ये कि सारे उसमें, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है।
सम ऑफ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ए ए बार बी सी का प्रोडक्ट है, ए बार बी सी बार का प्रोडक्ट है, ए बार ये सारे क्या है प्रोडक्ट है, और इन सब का क्या है सम। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगी, ये इक्वेशन क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसे आपकी इक्वेशन जो है वो दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम में। ये क्यों करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए जी। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम दिखाती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सम हमारी एक्सप्रेशन कौन सी होती है, मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। प्लस सी बार इनटू मींस ये कि ये प्रोडक्ट रिपीट कर रहा, आपकी आवाज कट गई है। ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज जी। मैंने ये कहा कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपकी कौन सी होती है, आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट में और एक प्रोडक्ट ऑफ सम में। ये हम करते क्यों है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसकी इजी इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। हम इन दो फॉर्म में अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स का सम हो, जो मैंने पहले दिखाया था। और प्रोडक्ट ऑफ सम कौन सी होती है, जिसमें ये जैसे कि मिस अदान और नमाज का ब्रेक दे दें, रुक जाएं ये टॉपिक खत्म होने में, देती हूँ नमाज का ब्रेक। ये प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म नजर आ रही है, ए प्लस सी इंटू बी प्लस ई इंटू सी प्लस बी, ये फॉर्म समझ आ रही है, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म है। सही है मिस। अगर मैं कहूँ इसका एक्सप्रेशन, राइट अ फंक्शन गिवन द ब्लॉक डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम का जो है मुझे एक्सप्रेशन लिखकर दिखाएं, लिख लेंगे इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, जी मैं सारी आवाज आ रही है। और अगर मैं कहूँ मिस एक दफा कोई एक्सप्रेशन लिख, मैं लिख के दिखाती हूँ, अभी मैं इसका सॉल्व भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैं नोट लिख नहीं सकती इसलिए मैं लिखकर नहीं दिखा रही, मैं वैसे ही वर्बली आप लोगों को बता रही हूँ। इसका क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बबल्स बने हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, x की जगह क्या हो जाएगा x बार, और y बार है तो y बार इंटू बार, बार बार से कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा यहाँ पर x, और ये आपका और है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बार प्लस y, ठीक है। यहाँ पर x बार प्लस y आ रहा है, ये बात क्लियर है या किसी को इसमें कोई मसला है? Yes, miss. नहीं है क्लियर? No, ma'am. बबल का मतलब क्या होता है, बार, x यहाँ से आ रहा है x, तो बबल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बार हो जाएगा, लेकिन y के ऊपर ऑलरेडी बार है, बार के ऊपर एक और बार आप लगाएंगे तो बार कैंसिल हो जाएगा, बार बार से कैंसिल हो जाता है, अगर किसी चीज के ऊपर दो बार आ जाए तो बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x बार है और y है, और ये क्या है और है, तो x बार प्लस y, यहाँ पर क्या आएगा x बार प्लस y। मैं सॉल्व में ही दिखा देती हूँ, एक्सरसाइज वन का सॉल्व, यहाँ पर x बार प्लस y आएगा, ये बात समझ आ गई या अभी भी किसी को कोई मसला है? मिस आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जी गेट वाला कौन, ये गेट मेरा कौन सा है, नैंड है, नैंड में क्या होता है, दो
दोनों इनपुट का बार आता है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद बार आ जाएगा। यहाँ पर एक इनपुट आ रहा है आपका एक्स बार प्लस वाई और दूसरा इनपुट क्या आ रहा है जी, जी मल्टीप्लाई किससे हो गया एक्स बार प्लस वाई से, और नैंड है ये तो नैंड का क्या मतलब है इस पूरे के ऊपर बार आ गया। ये बात भी क्लियर है, ये बात क्लियर है या अभी भी मसला है? मैम फिर आवाज नहीं आ रही। मैम क्लियर है, मिस क्लियर है, और भी किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देती हूँ, नैंड में क्या होता है आपके दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऊपर बार लग जाता है। इसका इनपुट क्या आ रहा था, ये वाला इनपुट आ रहा था, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो इस वाले का आउटपुट है, और यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स बार प्लस वाई और दूसरा इनपुट क्या है जी, तो जी मल्टीप्लाई हो गया किससे एक्स बार प्लस वाई से, और नैंड है तो क्या होगा इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट जो है वो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ इस एंड में तीन इनपुट है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे x बार इंटू डब्ल्यू इंटू z बार। अब यहाँ पर जो दो इनपुट आ रहे हैं, एक इनपुट ये आ रहा है आपका x बार w z बार और दूसरा क्या आ रहा है जो यहाँ से आ रहा था। अब इसमें दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स ये कि यहाँ पर इनपुट आपका क्या जाएगा बार लग के जाएगा, इन्वर्ट होकर जाएगा, तो इस x बार w z बार के ऊपर जो है एक और बार लग गया, और यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी बार था तो बार बार से कैंसिल हो गया, और का मतलब क्या है ये दोनों एक्सप्रेशन सम हो जाएगी इस तरीके से z x बार प्लस y प्लस x बार w z बार के ऊपर भी बार है, यहाँ पर भी एक बार है। ठीक है, समझ आ गया कि इसका इसकी एक्सप्रेशन किस तरीके से बनी है, इस लॉजिक डायग्राम की एक्सप्रेशन जो है वो ये बनी है आपका, ये फंक्शन बना है इसका। यस मैं समझ आ गया। मैं अगर आपको कहूं कि इसका फंक्शन मुझे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में नहीं है, आप क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको फिर मुझे लास्ट में जो आप दोगे सम की फॉर्म में दोगे, मींस ये कि आपके जो एक्सप्रेशन होने चाहिए उनमें ऐसी टर्म होनी चाहिए जो अगर प्रोडक्ट जो है वो सम हो रहा हो, मीन्स ये कि एक्स वाई जी प्लस एक्स डब्ल्यू जी प्लस दिस इस फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, और अगर मैं कहूंगी मुझे इस जो ब्लॉक डायग्राम का ट्रुथ टेबल चाहिए, आप मुझे इस ब्लॉक डायग्राम का ट्रुथ टेबल डिजाइन करके दो तो बना लोगे? मिस प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए हम ये जो जेड है उसको एक्स बार और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये होगा प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। नहीं, पहले आप इसकी इक्वेशन निकालोगे, ये जो इक्वेशन आई है इसको सिंपलीफाई करोगे प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, पहले तो आपने एक्सप्रेशन निकालना है, जब एक्सप्रेशन आ जाएगा उसके बाद उसको सिंपलीफाई करोगे। ठीक है, जब मैं अगर ना कहूँ किसी भी फॉर्म में देने तो आप सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला फंक्शन, और मैं अगर कहूँ कि मुझे इस डायग्राम की जो है वो ट्रुथ टेबल बना कर दो तो बना लोगे, कोई मसले की बात नहीं है। आपने अपने इनपुट्स जो है वो लिखना है, इनपुट्स में कौन कौन सा है, एक्स है वाई है जी है और डब्ल्यू है, चार इनपुट है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और उसके बाद उसका आउटपुट कैसा आएगा इस एक्सप्रेशन के थ्रू, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ZOR के लिए वैसे ही इसके लिए सॉल्व करोगे, कर लोगे? यस मैम। अच्छा, इसके अलावा मैम जी क्या शॉप से बोलें? मैम हमें नमाज का ब्रेक दे देंगे क्योंकि हमारी 6-15 बार एक और क्लास है। मैं बस ये अब ये लास्ट करके ऑफ कर रही हूँ क्लास, एक दो चीजें देख लें उसके बाद क्लास ऑफ कर रही हूँ। ओके, ये डिमॉर्गन्स लॉ है जो मैं आप लोगों को ही पता है, मैं अभी भी जिक्र कर चुकी हूँ, डिमॉर्गन्स में क्या होता है ए प्लस बी के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ए बार बी बार हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के ऊपर अगर बार है तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं सिंप्लीफाई करने बोलूँ इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन दी हुई है मैंने, इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लोगे? कैसे करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई? देखो इनमें कॉमन क्या है, एक्स और जी कॉमन है, एक्स और जी मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया वाई बार प्लस वाई। ठीक है, वाई बार प्लस वाई का क्या मतलब होता है, कहीं पर भी अगर आपके कोई भी क्या कहते हैं इस तरीके से आ जाए, फर्ज करो ए बार
प्लस ए, तो ये किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये बात समझ आती है क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके कोई भी लिटरल है आपका, कोई भी ए है, बी है, सी है, जो भी है, अगर वो अपने बार के साथ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जीरो है, अगर अगर ए की वैल्यू जीरो है और वो प्लस किसके साथ हो रही है, ए बार के साथ, वन के साथ प्लस हो रही है, तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा कोई भी। और अगर वो वन है तो वो किसके साथ प्लस हो रही है, जीरो के साथ, तो भी आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। समझ आ रही है ये बात, यहाँ पर किसी को कोई मसला है? मैं ये कह रही हूँ ए प्लस ए बार अगर मैं करूंगी कभी भी, तो ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू चाहे जीरो हो या वन हो, किसी एक की वैल्यू हर वक्त वन होगी, या तो जीरो प्लस वन होगा या वन प्लस जीरो होगा, तो ये इक्वल्स टू वन होगा। समझ आ गई ये बात? ये प्रॉपर्टी है। yes, miss. Yes, miss. अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने कह रही हूँ, इसका सॉल्व अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं सभी जो ये इक्वेशन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये इक्वेशन सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और ये सम है, लेकिन ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सिंप्लीफाई हो सकती है ये कहीं पर, यहाँ पर सिंप्लीफाई शायद हुई भी नहीं है मेरे पास, वरना मैं दिखा देती एक सॉल्व करके। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, मैं कहूँ इसका ट्रुथ टेबल बनाना, जैसे ये क्वेश्चन है, शो आवर ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, इसका ट्रुथ टेबल आप लोग बना लोगे आराम से, ये तो बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एफ इक्वल्स टू एक्स वाई बार जी प्लस एक्स वाई जी प्लस टेस्टिंग है, बार कटवा के आ रहे हैं क्या, जिन नमाज पढ़नी है वो चले जाओ, बस मैं ये सिंप्लीफाई करके उसके बाद क्लास ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, मैंने कहा कि मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, इसमें मैं देख रही हूँ कि मेरे पास xz यहाँ पर भी है और xz यहाँ पर भी है, मैं क्या करती हूँ xz को कॉमन ले लेती हूँ, एक वैल्यू ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा y बार प्लस y। ठीक है, उसके बाद मेरे पास प्लस किया मैंने, यहाँ पर ये दो टर्म रह गई, इन दो टर्म में मेरे पास क्या है x बार, यहाँ पर भी y है और y बार है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, किसको कॉमन ले लूंगी, x बार को और z भी है और z बार भी है। मिस, आपने यहाँ पे एक वैल्यू नहीं लिखी है, मिस एक मिनट, मैंने कम लिखा है, x बार y बार z, x बार y z बार, सॉरी ये वाली टर्म नहीं लिखी है मैंने, शायद x बार y और z, अब ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर लिया, अब यहाँ पर मैं ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, वाई जी एक्स बार और वाई कॉमन है, एक्स बार और वाई कॉमन है, यहाँ पर क्या रह जाता है मेरे पास, जी प्लस जी बार प्लस एक्स बार वाई बार और जी, मैंने कहा था y बार प्लस y जो है वन के बराबर होता है, x और z मल्टीप्लाई बाय वन x z आ जाएगा, z प्लस z बार जो है वन के बराबर होता है, तो ये भी x आएगा, x z प्लस x बार y प्लस x बार y बार और z, ये मजीद सॉल्व हो सकता है,
एक्स है और एक्स बार है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में कोई कॉमन है, एक्स बार कॉमन है और वाई, लेकिन कॉमन मैं इसमें से नहीं ले सकती, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैंने इसमें सिंप्लीफाई कर लिया। हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, ताकि हम इसकी आसानी से लॉजिक डायग्राम बना सकें। अगर मैं आपको एक्सप्रेशन दूं और मैं कहूँ इसकी लॉजिक डायग्राम बनाए, तो आप लोग एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बना लेंगे, लॉजिक डायग्राम से एक्सप्रेशन बना लेंगे, ठीक है। और किसी भी चीज से इससे भी ट्रुथ टेबल बन जाएगा और लॉजिक डायग्राम से भी ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ठीक है। आज की क्लास मिस मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रिकर्जन पढ़ेंगे और क्विक सॉल्ट, नहीं क्विक सॉल्ट नहीं, मर्ज सॉल्ट पढ़ेंगे, सॉरी, क्योंकि रिकर्जन था तो हमारे नहीं, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाई थी। रिकर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी मिस, ये भी तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है ना इक्वेशन की? ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट ऑफ सम वाली फॉर्म कौन सी होती है? जैसे x plus z plus y बार हो, अब ये प्लस हो रहा हो कोई और, ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ सम में कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके तरीके होते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। मिस एक सवाल है, आपने जैसे कि अभी कहा था कि आप पेपर में सिर्फ लॉजिक देखेंगी, तो क्या कोड पाइथन के अलावा किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं? क्लास में हम लोगों ने पाइथन डिस्कस किया था, पाइथन में ही करना है। ओके, पढ़ना फायदा क्या हुआ पाइथन में डिस्कस करने का, पढ़ना आपने पाइथन में, ये सिंटैक्स मैंने सिंटैक्स की लीनियंसी दी है कि अगर गलत हो जाता है कहीं पर, लेट्स से कि फॉर का लूप होता है उसमें फॉर की जगह आपने फॉर इन लिख दिया या कुछ इस तरीके की मिस्टेक कर दी है कहीं पर, कहीं पर एल ई एन होता है उसकी क्या कहते हैं लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला और आप लोगों ने एल डी एन की मिस्टेक्स, लेकिन लॉजिक सही होनी चाहिए और पाइथन में ही करना है, पढ़नी है जो भी करना है। और सेक्शन बी वालों ने अपनी अटेंडेंस जो है होपफुली चैट पे लिख दी है। मिस जी, आपने कोर्स आउटलाइन शेयर करी है? कोर्स आउटलाइन मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन एग्जाम से पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और कहां कहां से क्या क्या आएगा, ठीक है। मिस सर बदर समी ने की थी कोर्स आउटलाइन शेयर की थी। मिस आप कोई फॉलो जी, पर बदर समी ने तो पढ़ाया नहीं है, मैंने फॉलो कर रही हूं, मैंने पढ़ाया तो पेपर मैं ही बनाऊंगी। तो मैं साहब कोर्स आउटलाइन जल्दी शेयर कर दी गई, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सब इंक्लूडेड है, उन्हीं में से पेपर आएगा। आप एक बार कोर्स आउटलाइन सेंड कर दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, मैं शेयर करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास तक होपफुली इंशाल्लाह। मैं सबसे जो ट्री की फाइल में जो नोट्स लिखे थे आप वो स्क्रीन ओपन कर दें कि उसको नोट कर लूंगा, मैं क्लासरूम पे अपलोड कर देती हूं अभी नमाज के बाद, ठीक है। मिस ठीक जी, कोई बुक फॉलो कर रही है? मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रही, सर बदल समय की ही आउटलाइन फॉलो कर रही हूं, उन्होंने जो मुझसे डिस्कस की थी मैं वही चीजें कवर करवा रही हूं। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। आप लैब का जो असाइनमेंट देती हैं उसके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर कर दिया करें। अल्लाह आपके जो असाइनमेंट देती हैं उसके साथ स्लाइड्स, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से शेयर कर दूंगी, और नेक्स्ट टाइम जो मैंने पहले से पढ़ाया उसकी भी स्लाइड्स नहीं तो वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके थैंक यू मिस, अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़।